अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बेस्ट गाइड आपके लिए तैयार की है, जो कि 2021 की भर्ती परीक्षा के लिए पूर्ण गाइड होगी सभी सब्जेक्ट के साथ में। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाते हैं और साथ में 2800 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं। ये पुस्तक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से ये तैयार की गई है और बहुत ही बेस्ट बुक है। मैंने पूरा अच्छे से इसको देखा है और ये आप ले सकते हो। मैं पर्सनली जानता हूँ जो ये है पब्लिकेशन और जो मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ इस बुक को, बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो इसमें सारी विषय सूची, सारी डिटेल्स यहाँ पे एडेड हैं। आप इसको लेकर के अपनी जीडी की तैयारी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हो। दोस्तों, गाइड के साथ और भी बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए सेट लगाना भी जरूरी है और इन्होंने सेट और गाइड दोनों को साथ में लॉन्च कर दिया है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे अगर सेट की बात करते हैं तो, और इसमें 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसमें 2 सॉल्व पेपर यानी कि टोटल 10 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से आपको इसमें भी 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs मिल जाते हैं। तो जाओ फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, नंबर भी दे दिया है, अगर आप जानना चाहते हो लेने से पहले तो वो भी पूछ सकते हो कॉल करके। जाओ फायदा उठाओ और बस और क्या, तैयारी को बेस्ट तरीके से बूस्ट अप कर लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। इंडियन नेवी AMR 10/2021 बैच, बोले तो अक्टूबर 2021 बैच के लिए मेरिट लिस्ट आने वाली थी। पहले तो 21 सितंबर को आ जाएगी ये उम्मीद थी हमें, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगा कि लास्ट में आएगी सितंबर की, यानी कि 30 सितंबर को रिलीज की जाएगी। 29 सितंबर की इवनिंग में कुछ डिटेल्स आई और कुछ कैंडिडेट्स का ग्रीन हुआ, कुछ लोगों का पास हो रहा था, कुछ लोगों का फेल दिख रहा था, और इसके बाद कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं आई कि कट ऑफ कितनी गई और बाकी सब चीजें। कुछ बग की तरह लगा हमें और उसके बाद सब लोग बेचैन हो गए, परेशान हो गए। लेकिन उसी के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आ गई है इंडियन नेवी की तरफ से और उसमें बताया गया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनली कब रिलीज की जाएगी। हुआ यूं था कि एक कैंडिडेट ने, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ईमेल किया था इंडियन नेवी को और उस ईमेल का ऑफिशियल रिप्लाई इंडियन नेवी ने कर दिया है। आप खुद चाहो तो आप भी ईमेल कर सकते हो इंडियन नेवी को और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके वो देख भी सकते हो कि रिप्लाई क्या है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का। अभी मैं दिखा देता हूं आपको कि रिप्लाई दिया क्या है इंडियन नेवी ने। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सेम ऐसे ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आपको मैं दिखाई देता हूं। टेलीग्राम चैनल को भी दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो है ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब आपको मैं वो मैसेज दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ईमेल शुभम कुंडू ने करा था। सर, नेवी AMR अक्टूबर बैच रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट इज टू बी पब्लिश एट द एंड सेप्टेम्बर, टूडे इज 1st of October, ऐसा ही कुछ करके इनका ईमेल था। जिसके बाद DDMPRIT आप देख सकते हो 5:20 पे रिप्लाई आ गया इनको। तो आप भी करोगे जल्दी ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है, डियर कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड बाई नेक्स्ट वीक, काइंडली चेक योर डैशबोर्ड फॉर मोर डिटेल्स। यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो नेक्स्ट वीक में आएगी। आज है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उसके बाद मे बी मंडे को आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मंडे कौन सा दिन है? आज है 1 तारीख, यानी 4 या 5 तारीख तक आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी ऑफिशियली, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की भी प्रोसेस अक्टूबर में ही कंप्लीट करा ली जाएगी। दैट मीन्स कि आपका फाइनल मेडिकल्स होगा पे चिल्का में, आईएनएस चिल्का में फाइनल मेडिकल्स, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो आप इसके लिए अब एकदम श्योर रहो कि आपकी जो भी चीजें हैं वो जल्दी ही आपको पता चल जाएंगी। ये 3:40 पे आज ही मेल किया इन्होंने और आज ही इनको रिप्लाई भी मिल गया इंडियन नेवी की तरफ से। देख लो इन्होंने लिखा क्या था, वो भी आप देख सकते हो यहां पे, पढ़ सकते हो खुद से भी, और कुछ इस तरीके से चीजें थी। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो 3-4 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या है, और आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, आपने जैसी तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने हैं, वो सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए ये कट ऑफ कितनी जाती है, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे इस बात को लेकर के कि
कहीं इस बार ऑल इंडिया लेवल पे तो नहीं कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका नोटिफिकेशन है अगर आप उसको अच्छे से चेक करोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो आपकी स्टेट वाइज ही होगी, यानी जो मेरिट होगी वो स्टेट वाइज ही निकाली जाएगी, क्योंकि इसमें जो स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं इसी वजह से ये चीजें की गई हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, बाकी जो भी अपडेट आएगी जल्दी आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और एक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर देख लेना।